बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार जल्द ही 60,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर नियुक्ति करने का ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को भोजपुर के कोइलवर में मेंटल हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान नियुक्तियों से संबंधित जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 60,000 पदों को भरने की कवायद तेज कर दी गई है। राज्य सरकार स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सभी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था से लेकर डॉक्टर और दवाई तक की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने लापरवाह डॉक्टरों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अस्पताल नहीं जाएंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 60,000 पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा है कि मानव संसाधन की पूर्ति के लिए इस साल के अंत तक बिहार में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कार्ड का सृजन कर लिया जाएगा, जिससे बिहार के युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे। प्रथम चरण में करीब 60,000 से अधिक रिक्तियों को भरने की कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से लोगों का इलाज नहीं हुआ तो सरकार तुरंत एक्शन लेगी। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।